देश व प्रदेश की सरकारें भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राग आलापते नहीं थकती हों, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस कितनी गंभीर है इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब सूचना देने के बावजूद पुलिस एक मासूम को नहीं बचा सकी और आखिरकार मासूम का शव दूसरे दिन गाँव के ही जोहड़ में तैरता मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिले के गांव रामपुर की, जहां यूपी का रहने वाला विनोद मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता है तथा पिछले कई सालों से रामपुरा गांव में किराए के मकान में रह रहा है। बीती शाम उसकी 2.5 वर्षीय मासूम नंदनी अचानक घर से लापता हो गई। काफ़ी तलाशने पर भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो इसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी, मगर इस मामले में हैरान करने वाली बात यह रही कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मासूम का कोई सुराग नहीं लगा सकी और आखिरकार परिजनों ने उसे ढूंढ निकाला। गांव के ही जोहड़ में मासूम का शव तैरता हुआ मिला। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया है, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस को शायद कोई सरोकार नहीं रह गया है। रेवाड़ी से अजय सागर अत्री, आजाद टीवी न्यूज। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद। तुम्हारी बच्ची ऐसा है कि 4 बजे वो 4 बजे से वो ना मिल रही है, 4 बजे से हम लोग खोज रहे थे उसको, मिली ना, और वो रोड में तैरती हुई नजर आई आज सुबह। हम लोग देखे हैं, पुलिस को सूचना दी, पुलिस को सूचना शाम को दे दिए थे हम लोग। कितनी उम्र है बच्ची? उसकी 2.5 साल। क्या नाम है? नंदनी। झोड़ में तैरती हुई मिली? हाँ जी, शाम को लापता हुई, सुबह झोड़ में तैरती हुई। हाँ जी।